बच्चों कैसे हो आप? चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ रहे हैं बच्चों हम पद परिचय। अब हम देखते हैं कि पद परिचय क्या है। पद परिचय शब्द और पद से मिलकर बनता है पद परिचय। फिर से हम बता रहे हैं आपको कि शब्द और पद से मिलकर बनता है पद परिचय। पद परिचय जिसमें पद का परिचय दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि शब्द क्या है। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्ण क्या है? तो वर्ण आता है आ बा का खा गा। ये शब्द क्या है? ये वर्ण कहलाते हैं। तो इनके सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लिखे कमल, तो ये हो गया सार्थक शब्द। ये अलग अलग आ गया शब्द का धन मा घन ला कमल। और इसी से बन जाएगा दूसरा शब्द कलम। और अगर हम इसको लिखने पहले अलग अलग आगे पीछे इसको अव्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो इसकी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये वर्ण जब मिलकर एक सार्थक शब्द की रचना करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द की रचना करते हैं, तो उसको शब्द कहते हैं। और शब्द स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है। अब पद क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद परिचय कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जो शब्द है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पद। कमल आ गया, इसको ही हम पद बोलते। अब पद परिचय, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पदों का जो व्याकरणिक परिचय है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि ही उस पद का परिचय कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पद परिचय की परिभाषा क्या। तो जैसे हम अपना परिचय देते हैं, जिस तरह हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। और वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक जो सार्थक शब्द हैं उनको पद कहते हैं। और उन पदों के व्याकरणिक पद को पद परिचय, पद व्याख्या आदि कहते हैं। जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं, और उन पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना है। उदाहरण जैसे राजेश ने रमेश पुस्तक दी। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब राजेश यहां पर क्या हो गया? संज्ञा, क्योंकि नाम है व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, ने के साथ कर्ता कारक द्विकर्म क्रिया के साथ। फिर राजेश क्या है? राजेश भी एक संज्ञा है।
संज्ञा है व्यक्तिवाचक पुरलिप एक कर्म का काल। अब पुस्तक भी संज्ञा है जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्म काल। राजेश और रमेश ही क्या है, ये हो गए दोनों पुरलिंग। और संज्ञा है पुस्तक, यहाँ पर क्या हो गई स्त्री एक वचन में, क्योंकि पुस्तक है। अब बहुत सी पुस्तकें होती तो वो बहुवचन हो जाती, क्योंकि एक से अधिक मतलब बहुवचन और एक है मतलब एक वचन। अब हम आगे देखते हैं पद के प्रकार। पद के प्रकार पांच होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो पद में है पहला संज्ञा। अब संज्ञा का पद परिचय क्या है कि संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक। संज्ञा के भेद क्या है, व्यक्तिवाचक भाववाचक और जातिवाचक। लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक क्रिया का कर्ता है और क्रिया का कर्म है। हमें जब इनका प्रयोग होगा तो इन बातों में संज्ञा का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा स्तर होना सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक संबंधवाचक और निजवाचक। आपने बच्चों पढ़े होंगे संज्ञा के सर्वनाम के भेद, तो निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये लिंग वचन कारक क्रिया और क्रिया का कर्म। फिर है विशेषण। विशेषण के भेद गुणवाचक संज्ञावाचक सार्वनामिक और परिणाम वाचक। अवस्था, इसमें मूल अवस्था उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। लिंग वचन और विशेष। फिर चौथा है क्रिया। क्रिया के भेद लिंग वचन पुरुष धातु काल वाच। क्रिया कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म क्या है। फिर पांचवा अव्यय। क्रिया विशेषण भेद उपभेद विशेष क्रिया का निर्देश। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि पद परिचय बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अवधारक निपात संबंध बोधक समुच्चय बोधक किस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पद परिचय बना सको पहचान सकते। अब हम और इसके बारे में जानना चाहेंगे कि पद परिचय कैसे बनाते हैं। तो पहला है अगर शब्द किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पक्षी भाव जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द क्या है, वह शब्द संज्ञा है। फिर से सुनिए कि अगर शब्द किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पक्षी भाव जाति आदि के बारे में ज्ञान कराता है तो वह क्या है, संज्ञा है। फिर दूसरा अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा मैं तुम आपका उस व आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम है। क्या है वह शब्द, अगर मैं तुम आपका उस संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो वह शब्द है सर्वनाम। तीसरा है कि अगर शब्द किसी वस्तु स्थान पशु पक्षी आदि की विशेषता बताता है कि वह कैसा है, सुंदर है डरावना है लंबा है तो वह के शब्द क्या है, वह शब्द विशेषण है। ये वह क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है। फिर चौथा अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल अभी दिनभर कैसे हो रही है चुपचाप, क्रिया कहाँ हो रही है अंदर बाहर ऊपर नीचे आसपास, कितनी मात्रा में हो रही है कम पर्याप्त ज्यादा अधिक। फिर पांचवा कि अगर शब्द किसी अगर
हर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाता है, तो वह संबंध बोधक अव्यवस्थित। किसके बीच? संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाता है, तो संबंध बोधक है। जैसे के पास ऊपर से दूर, के कारण के लिए की ओर। अब देखते हैं कि अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यवस्थित। जैसे अतएव, इसलिए, लेकिन। फिर अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मय आदि बोधक अव्यव है। जैसे अरे वाह, अच्छा आदि। अगर शब्द किसी विस्मय, घृणा, दुख, पीड़ा इन भावों को प्रकट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? विस्मय आदि बोधक अव्यव होता है। जैसे अरे वाह, अच्छा आदि, इस तरह के। फिर है, अगर शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे ही, तो, तक, केवल ही। और उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लिखिए जिनमें कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। आपको इन रेखांकित पदों के पर परिचय दिया गया है। जैसे आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण को क्या बोला जाता है? देशद्रोही, है ना, घर का भेदी, लंका ढाए। तो तो कैसे नहीं, विभीषणों, देशद्रोहियों, संज्ञा जातिवाचक हो गई। ये बहुवचन में है ये कि देशद्रोहियों, मतलब ये यहाँ पर कौन सा हो गया? बहुवचन। अगर देशद्रोही होता तो वह एक वचन का होता। विभीषण है तो पुल्लिंग है और संबंध का। फिर रात में देर तक बारिश होती रही, देर तक, ये हो गया क्रिया विशेषण। कालवाचक, क्योंकि इसमें समय, देर तक, और कब हो रही थी? रात में हो रही थी। अगर होता कि बारिश हो रही तो वह कालवाचक नहीं होता। रात में, देर तक, मतलब वो हो गया कालवाचक। हर्षिता निबंध लिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लिख रही है, क्रिया संयुक्त। हर्षिता है तो स्त्रीलिंग, एक वचन, धातु, कौन सी लिख, वर्तमान काल, क्योंकि वह इस समय अभी क्रिया कर रही है तो काल कौन सा आएगा? वर्तमान काल। क्रिया का कर्ता हर्षिता, इसलिए यह कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। और क्रिया का कर्म है निबंध, क्योंकि हर्षिता निबंध लिख रही है। फिर है कि इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। अनेक विशेषण हो गया, अनिश्चित संख्या वाचक कि 2, 5, 10, 500, 1000 कितने भी हो सकते हैं अनिश्चित जिनकी, तो ये क्या हो गया? संख्या वाचक, बहुवचन हो गया। और पुल्लिंग, और इसमें विशेषता है चित्र की, अनेक चित्र है। फिर गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे, आजीवन क्रिया विशेषण और काल वाचन है। अब हम, तो बच्चों आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे और इन सबको बार बार पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए।